4% बढ़ाने के लिए कोई दे रहा खाने पर 25% छूट, तो कोई दूध पैकेट पर छाप कर रहा वोट की अपील। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए करनाल के होटल और डेयरी संचालकों ने बढ़ाए हाथ। मतदान का प्रमाण देने पर 21 से 25 अक्टूबर तक होटल संचालक स्वेच्छा से खाने पर देंगे मतदाताओं को 25% कर रियायत। तो मॉडर्न डेयरी ने दूध के पैकेट पर लगाए लोगों से वोट की अपील की। विधानसभा आम चुनाव में जिले के सभी मतदाताओं की भागीदारी के लिए एक ओर जहां भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं जिले के गांवों के शहरों कस्बों में स्कूल व संस्थानों द्वारा अपने अपने तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वोट देना सबका अधिकार है और ये वोट हमें देना भी चाहिए, चाहे सरकार जो मर्जी हो। और इसमें बॉर्डर डायरी वाला लेख भी रखा है। तो हमें यह नहीं चाहिए कि कोई भी सरकार हो क्या करे क्या नहीं, हमें वोट देना का हमारा अधिकार है। क्या देखा आपने जब दूध लिया, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है वोटिंग इज द राइट। तो कैसा आप समझते हैं इसे? सही समझते हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगा इस बार। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है या ये मॉडर्न डेयरी वाले कर रही है और लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या जागरूकता आएगी? वोट पहले से लोग कम देते हैं, पर अब देना चाहिए लोगों को, सभी को वोट। वोट देना सबका क्या लक्ष्य मुहिम चलाई है कि जिसके ऊपर उन्होंने पैकेट के ऊपर लिखा है वोटिंग इज योर राइट, हमको वोट का अधिकार जरूर करना चाहिए, ताकि चाहे हम सरकार किसी की हो किसी को भी वोट करें। इससे हमारे को यह है कि अपने प्रजातंत्र लोकतंत्र मजबूत होता है और इससे हमारा अपना 5 साल का मौका मिलता है, तो अपने इस वोट का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए हमारे को। तो आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में? बताते हैं, जरूर बताते हैं जी। वोट करना आपका अधिकार है और वोट का ही आपकी ताकत है। ये आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी लोगों में कम हो गया वोट डालने की धारणा कम बनती जा रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं कर रही है, डेयरी वाले भी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ये अच्छी मुहिम है, एक अच्छी है जो सरकार के लिए भी अच्छी है और अपने लिए भी अच्छी है, जिससे आप अपने प्रजातंत्र लोकतंत्र सबको अपने मजबूत कर रहे हो और अपने इच्छा अनुसार वोट करनी चाहिए। किसी के कहने से किसी के कमाने से नहीं वोट करनी चाहिए। ऐसा करने से जागरूकता आएगी? जरूर आएगी जी, क्यों फर्क पड़ता है। जो नए बच्चे हैं जो नए सीखते हैं उनको पता लगता है कि हाँ वोट डालना जरूरी है, नहीं तो आजकल लोग ये सोचते हैं कि वोट डालना जरूरी ही नहीं है। क्या करेंगे वोट डाल के? वोट डाल के करेंगे भी, चलो सोचते हैं अभी वोट डालने से कि सरकार को उनको यह रहता है कि हाँ चलो उनको ये पता लगता है कि कल को हमारी नौकरी भविष्य है सारा कुछ पे ही दरअसल टिका हुआ है। अगर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो हमको किसी को कहने का अधिकार ही नहीं है। क्या नाम है जी? सुविंदर कर कहना। इस बार वोटर को हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ वोट परसेंटेज जो है ना काफ़ी कम रहती है। पिछली बार भी कम, मतलब हमेशा से ही कम रहती है। हमारी तरफ से हमारी सोच है कि भी कम से कम 90% तो वोटिंग होनी चाहिए। उसके अंदर प्रशासन तो देखो जो कर रहा है कर ही रहा है, आम मीडिया भी लगा हुआ है, आम लोग भी, संस्थाएं भी लगी हुई हैं, तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमने एक स्कीम चलाई है कि जो वोट पोल करेगा उसके ऊपर एक निशान लगता है उंगली पर। 21 तारीख को हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है जिसकी वोटिंग होनी है 21 तारीख को, वो 21 को आए, 22 को आए, 23 को आए, 3 दिन कभी भी वो आ सकता है। और वो अगर वोटिंग का निशान दिखाएगा तो उसको हमारी तरफ से 25% डिस्काउंट उसको फूड में दिया जाएगा। मेरा गोकरेजी रेस्टोरेंट है जो करनाल क्लब के अंदर है, उसमें भी उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा जो रेस्टोरेंट होट बिलियंस है रेलवे रोड पर, उसमें भी उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सबको ही करना चाहिए और भी जैसे स्कूल में हैं, स्कूल वालों को भी बच्चों को बोलना चाहिए कि भी अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो वोट देते हैं एक सेल्फी स्कूल में भेजें। और वो स्कूल वालों को भी ऐसा करना चाहिए भी जितनी सेल्फीज उनके पास आए उसमें से एक इनाम रखें। बच्चों को भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी, अपने माँ बाप को जाके बोलेंगे कि भी आपने वोट लेके मेरे साथ सेल्फी मेरे एक स्कूल के नंबर पे भेजो। मतलब ऐसा करें तो स्कूल के अंदर हमारे करनाल में कम से कम स्कूल में 15-20 हज़ार बच्चे हैं, अगर वो भी सब करते हैं तो इससे भी वोट परसेंटेज बढ़ेगी। एक आइडिया, पहले भी आपने कैंपेन चलाया तो कैसा आपको? अच्छा रिस्पांस आया था। हमने लास्ट जो मेयर का इलेक्शन था उसमें भी किया था, जो लाल लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी किया था और काफ़ी लोग आए थे, वो सब ने अच्छा सराहा था। तभी उसी को अगर अच्छा था और रिस्पॉन्स अच्छा था तभी हमने इस बार किया। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी जब जब भी होगा हम उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे।